क्वेश्चन नंबर 9 हमने जिस मेथड से किया था, हम आपको एक दूसरे मेथड से भी करके दिखाते हैं, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया हुआ था। आप देखिए, इस पे सबसे पहले एक काम करेंगे, जैसे कि मैंने बताया प्रतिस्थापन के द्वारा करना चाहते हैं, और x की एक ऐसी सुइटेबल वैल्यू यहाँ लिखेंगे जिसकी मदद से ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, और उसके बाद हम उसको डिफरेंशिएशन उसका कर सकते हैं, डेरिवेटिव निकाल सकते हैं उसका। तो ऐसा x की जगह पर क्या वैल्यू होगी कि अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके लिए हमने गौर से देखा और पाया कि अगर x की जगह पर हम tan थीटा लिख दें तो हमारा काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम tan थीटा लिख देते हैं तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये sin 2 थीटा की वैल्यू होती है। तो इसकी जगह sin 2 थीटा लिख पाएंगे, फिर sin इनवर्स sin 2 थीटा, 2 थीटा बचेगा और बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। तो हमने x बराबर क्या ले लिया? tan थीटा। अब अगर x इज इक्वल टू tan थीटा हमने ले लिया तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? यहाँ से थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x। अब ये वैल्यू अप्लाई कर दो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2, x की जगह पर क्या लिखेंगे? tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा साइन इनवर्स। इसको पहचानिए, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा ये साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा में क्या बचेगा? केवल 2 थीटा बचेगा, ये 2 थीटा आ गया। अब y इज इक्वल टू 2, थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x। ठीक। अब देखो, अभी तक हमने केवल इसको सिंपल बनाने में इतना सब कुछ करा है, अभी हमने इसका अवकलन नहीं निकाला। अब हम अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन कर दें तो ये लिखना पड़ेगा d dx ऑफ y इज इक्वल टू 2 d dx ऑफ tan इनवर्स x। अब 2 की जगह तो 2 लिखेंगे, tan इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। 2 को 1 से गुणा कर देंगे, 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये डी डी एक्स ऑफ वाई निकल करके मिल गया हमको। देखो, और यही जब आपने कल सॉल्यूशन किया था तो भी आपको यही आंसर मिला था। लेकिन ऐसा करने से अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं तो ये बहुत इजी बन जाता है, तो इतना आसान बन जाता है कि फिर एक बार में ही अवकलन कर सकते हैं आप उसका। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कौन सा कर लिया? क्वेश्चन नंबर 9। 10 हम आपको बता ही चुके हैं, 11 देख लेते हैं। 11 में है वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इसमें लिखा है 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1, मतलब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिर सोचिए कि यहाँ पर x की जगह पर क्या लिख दिया जाए, x की जगह पर ऐसा क्या लिख दिया जाए जिससे ये अंदर का नंबर, देखो बाहर अगर cos इनवर्स है तो जाहिर सी बात है कि अंदर हम cos थीटा बनाना चाहते हैं, cos थीटा टाइप का ही फंक्शन हम चाहते हैं। अब इसमें x की जगह पर क्या लिखें ताकि अंदर में cos बन जाए या एक ऐसी फंक्शन बन जाए जो हम सॉल्व कर सकें उसको आसानी से। तो हमने फिर से चेक किया और जितने भी क्षेत्र कोणमिति अनुपात है उनमें देखा कि इसमें भी सबसे सुइटेबल x की वैल्यू tan थीटा ही लिखी जा सकती है। x की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है? tan थीटा। तो माना x बराबर tan थीटा, x को हमने क्या मान लिया? tan थीटा।
अगर x इज इक्वल टू टेन थीटा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स x। ठीक, जरूरत पड़ने पर हम इसको नोट करेंगे। अब हम वैल्यू अप्लाई करते हैं, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि ये कॉस टू थीटा का सूत्र है। कॉस टू थीटा के कई फॉर्मूले थे, एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक रहता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और एक होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, याद आ रहा है। और एक फॉर्मूला टेन के टर्म्स में भी होता है, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये वही तो लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ कॉस टू थीटा। अब फिर आप समझ सकते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा में क्या बचेगा, कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा में बचेगा टू थीटा। समझ आ रही बात आपको? अच्छा, अब वाई की जगह वाई, टू की जगह टू, थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे, थीटा की जगह पर ये आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स। और अभी तक हमने डेरिवेटिव नहीं निकाला, देखो अभी तक तो हम इसी काम को करते रहे कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए, अभी तक वही करते रहे। अब कन्वर्ट हो गया, अब हम अवकलन कर देंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यह आ जाएगा d dx ऑफ y इज इक्वल टू टू, और यहां पर क्या लिख देंगे, सॉरी d dx ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव x के सापेक्ष आप सभी जानते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो इस तरह से बुआ tan इनवर्स x की वैल्यू बन जाएगी 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। देखिए यहां पर भी देखो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, वहां पर भी 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इसका भी आंसर वही, उसका भी आंसर वही, पर जो हमारा रूट फंक्शन था, जो बेसिक फंक्शन हमको दिया गया था, इसको हमको डिफरेंशिएट करना था, वो फंक्शन दोनों जगह अलग अलग है। पर क्या अब आपको ये मेथड समझ में आ रहा था? और अगर आपको समझ में आ रहा तो ये भी बात अब आपके दिमाग में आ रही होगी कि अगर टेन की जगह मैं कुछ और लिख दूंगा यहाँ पर, जैसे मैंने कॉट लिख दिया यहाँ, तो वन माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या ये कॉस टू थीटा का सूत्र बनता? नहीं है, तो प्रॉब्लम होती है हमको सॉल्व करने में उसको। अगर हम साइन लिख देते, कॉस लिख देते, सेक लिख देते, कॉसेक लिख देते, तो ये इस तरह इस रूप का नहीं बनता। अगर ये रूप नहीं आता इसका, तो इतना सिंपल नहीं कर पाते हम इसको। इसलिए इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सब के लिए एक स्पेशल सब्स्टिट्यूशन ही हमको करना है। कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात रख दोगे और सॉल्व होकर आंसर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। एक आपको कोई सर्टिन फंक्शन ही वहां लिखा जाएगा, निश्चित फलन ही लिखा जाएगा, उसी से कैलकुलेट होकर आंसर आ पाएगा, सबसे नहीं आ सकता। और ये आपको पहचानना है कि क्या रखना है यहां पर। उसके लिए आप ये फलन देखेंगे और सोचिए कि क्या रखने से इसका कुछ ऐसा बने जो बाहर वाले से कैंसिल होके हमारा सरल रूप तैयार कर दे उसका। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, इसके बाद और क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वेयर x इज बिटवीन 0 टू 1। इसके लिए सुइटेबल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कौन सा होगा जिसको जब यहां लिखें तो ये हमारे दिए गए फलन को बिल्कुल सरल रूप में तैयार कर दे उसको, क्या हो सकता है इसके लिए? तो यहां पर भी tan थीटा ही आएगा, माना x बराबर tan थीटा, और देखिएगा किस तरीके से वो बदल जाएगा। वैसे आप सोच रहे होंगे अधिकतर सवाल में tan ही tan आ रहा है, तो अधिकतर में tan आता है, खैर अधिकतर क्वेश्चंस में tan ही सुटेबल फंक्शन बन जाता है। अगर x इज इक्वल टू tan थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा होगा tan इनवर्स x। बउआ समझ रहे हैं बेटा? अच्छा, अब ये यहां पर लिख दीजिए,
तो y इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस x स्क्वायर मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अब बता सकते हैं आप मुझे ये कौन सा फलन, इसकी वैल्यू क्या होती है? cos 2 थीटा, अभी आपने किया था इसे cos 2 थीटा। अब आप यहां पर एक चीज देख रहे होंगे कि बाहर साइन इनवर्स है पर अंदर cos थीटा है, तो हम सबको लगा कि ये कैंसिल कैसे होगा, पर हमारे पास एक तरीका है कि हम cos को साइन में बदल सकते हैं। कैसे? आप एक फॉर्मूला जानते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, या साइन 90 प्लस थीटा भी कर सकते हैं। देखो, समझ रहे हैं हमारी बात को? साइन 90 प्लस थीटा भी कर सकते हैं और साइन 90 माइनस थीटा भी कर सकते हैं। तो हमने यहां पर लिखा साइन इनवर्स और इसकी जगह पर मैंने लिखा साइन, और यहां पर पाई बाई टू प्लस टू थीटा कर दीजिए। आप देखिए साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है ना, नहीं होता? और साइन 90 माइनस थीटा भी क्या होता है? कॉस थीटा। आप चाहे साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, आप चाहे साइन 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। इसकी जगह पर एक और मैं लिख के दिखाता हूं, देखिए यहां पर साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू माइनस टू थीटा, ये भी कर सकते हैं। तो अब यहां पर क्या आएगा? देखो, दोनों में साइन इनवर्स बाहर है, साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, ये क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा पाई बाई टू प्लस टू थीटा, या इसमें से देखेंगे तो क्या बन जाएगा? पाई बाई टू माइनस टू थीटा। अब आप वैल्यू अप्लाई करिए, y इज इक्वल टू पाई बाई टू प्लस टू, थीटा की जगह पर क्या लिखना चाहिए हमको? थीटा की जगह पर हमको लिखना चाहिए tan इनवर्स x, या इसको लिखेंगे पाई बाई टू माइनस टू और थीटा की जगह पे फिर से tan इनवर्स x। ठीक है, अच्छा, अब आप इसको अवकलन करिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अगर ये आएगा y की वैल्यू तो क्या डेरिवेटिव होगा, और अगर वो वैल्यू होगी तो क्या डेरिवेटिव होगा? अगर ये वैल्यू है तो पाई बाई टू का क्या आ जाएगा? जीरो। टू टेन इनवर्स x का क्या होगा? वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर। और अगर y की ये वाली वैल्यू है तो पाई बाई टू का जीरो माइनस टू टेन इनवर्स x की जगह वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर, ये हो जाएगा। इस तरह से डी डी एक्स ऑफ y की दो वैल्यूज आई, डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर, या माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, इसमें जो आंसर आपका आया है, कितने आंसर आपने निकाल रखे हैं? दो। अब इन दोनों आंसर्स को आप गौर से देखिए जरा, y की वैल्यू भैया क्या है? देखो जरा, जो दिया गया फलन है आपका साइन इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर, हमारा जो y है वो एक साइन इनवर्स फंक्शन है। कुछ समझ पा रहे हैं हमारी बात को? y हमारा एक साइन इनवर्स फंक्शन है, और साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज क्या होती है बताइए? साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज होती है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, मीन्स साइन इनवर्स फंक्शन की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से छोटी और प्लस पाई बाई टू से बड़ी नहीं हो सकती, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक के बीच में ही हो सकती है। मेरी कुछ बात समझ रहे हैं आप? मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट समझाना चाहता हूं। देखिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट,
कि जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमने आपको दिखाया तो हमें लगा कि इसके कितने आंसर आ गए हैं, दो। लेकिन एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो इसका केवल एक आंसर आएगा बस। क्यों एक आएगा, वो इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ, और अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर। तो मैंने आपको बताया कि वाई किसके बराबर है, साइन इनवर्स फलन के। जैसे हम ये लिख दें वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब हमने देखा है कि साइन इनवर्स एक्स जो होता है, दिस इज फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू। माइनस 90 इसकी मिनिमम वैल्यू है और प्लस पाई बाई टू इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। हम चाहें तो साइन इनवर्स एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये हम जानते हैं, और अब इसकी जगह पर हम चाहें तो वाई लिख सकते हैं। माइनस पाई बाई टू इज लेस देन और इक्वल टू वाई इज लेस देन और इक्वल टू पाई बाई टू। मतलब अगर वाई साइन इनवर्स फलन है तो वाई का मान माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में रहना चाहिए। देखो ना आपके सामने है। अब इधर देखिए, यहां पर भी साइन इनवर्स फलन है और ये y के बराबर है, तो साइन इनवर्स फलन का जो रेंज होता है वो माइनस 90 से प्लस 90 तक रहता है, इसलिए y की वैल्यू भी माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में आनी चाहिए। y की ये जो दो वैल्यूज हमने निकाली, इन दोनों वैल्यूज को आप ध्यान से देखिए। इसमें लिखा गया है पाई बाई टू प्लस टू टेन इनवर्स x, और इसमें लिखा गया है पाई बाई टू माइनस टू टेन इनवर्स x। y का मान अभी अभी आपने डिसाइड किया, हम सब लोगों ने, कि माइनस 90 से नीचे नहीं जाएगा और प्लस 90 से पाई बाई टू से ऊपर नहीं हो सकता, इनके बीच में हो सकता है। माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू भी ले सकते हैं, लेकिन इसी रेंज के ऊपर नहीं जा सकता ये। अब इसको आप देखो जरा, ये पाई बाई टू प्लस टू टेन इनवर्स एक्स है, विच इज ग्रेटर देन पाई बाई टू। पाई बाई टू में कुछ जोड़ रहे हैं आप, और पाई बाई टू में कुछ जोड़ रहे हैं, इसका मतलब वो वैल्यू पाई बाई टू से कैसी होगी, वो वैल्यू पाई बाई टू से बड़ी है फिर तो। ना समझ में आई बात आपको, वो वैल्यू पाई बाई टू से बड़ी है, और जबकि अभी हम लोगों ने डिसाइड क्या किया है कि साइन इनवर्स फलन का रेंज माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक होता है, तो वाई का मान माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक रहना चाहिए। बट दिस इज द बियॉन्ड पाई बाई टू, तो पाई बाई टू से ऊपर चला गया, इसलिए वाई का ये वाला मान हम कैंसिल कर देंगे। समझ रहे हैं, कॉस 2 थीटा को हम साइन पाई बाई टू प्लस 2 थीटा लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमारी रेंज से बाहर चला जाएगा। अगर ये रेंज से बाहर चला जाएगा तो इसका ये वाला आंसर भी रेंज से बाहर चला जाएगा, ये वाला आंसर भी रेंज से बाहर चला जाएगा। इसलिए डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू हमारे क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 12 में कितनी आई है, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही वैल्यू सही होगी, ये वैल्यू सही नहीं मानी जाएगी। अब बताएं आप, आपको कुछ समझ में आई बात की नहीं आ रही है, ये आ रहा है समझ में? इसलिए बुक में जो आंसर दिया है उसमें भी यही आंसर दे रहे हैं वो, क्योंकि ये वैल्यू पाई बाई टू माइनस टू टेन इनवर्स एक्स है, मतलब पाई बाई टू से माइनस किया गया है, तो पाई बाई टू से कुछ कम है, और पाई बाई टू से कम है तो ये हमारी रेंज के अंदर है। अगर रेंज में है तो हम इसको ले सकते हैं, फिर इसको लेके आंसर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। सो प्लीज आप याद रखें कि भले आप कॉस टू थीटा को साइन 90 प्लस टू थीटा लिख सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अगर आप ये ले करके अपना आंसर बनाओगे तो वो आंसर सही नहीं आएगा, आंसर ये वाला सही है विच इज अंडर रेंज। ठीक है, आप प्लीज नोट करें, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें फिर से हमने मान लिया x इज इक्वल टू टेन थीटा, x की वैल्यू हमने कितनी ले ली, टेन थीटा ले ली, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स x। अच्छा, टेन इनवर्स x में आप देखिए गौर से वैल्यू अप्लाई कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू बनेगा कॉस इनवर्स 2x,
टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, देन वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। अब टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, इसको आप जानते हो कि ये किसकी वैल्यू है, ये साइन टू थीटा की वैल्यू है। तो कॉस इनवर्स, साइन टू थीटा को हम कॉस में चेंज करना चाहते हैं। बताइए साइन थीटा को कॉस के पदों में कैसे बदल सकते हैं आप। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा की इक्वल होती है ना, तो यहां साइन टू थीटा है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई टू माइनस टू थीटा। साइन टू थीटा को लिख सकते हैं कॉस पाई बाई टू माइनस टू थीटा। अब इसको तो दूसरा कुछ कर नहीं सकते हम, कॉस 90 प्लस टू थीटा लिखेंगे तो माइनस साइन टू थीटा बन जाएगा, इसलिए इसमें प्लस नहीं लगा सकते। अब कॉस इनवर्स कॉस थीटा में क्या बचेगा बताइए, ये बचेगा पाई बाई टू माइनस टू थीटा। वाई इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस टू, थीटा की जगह पर टैन इनवर्स एक्स, थीटा की जगह पर टैन इनवर्स एक्स। देन वाई इज इक्वल टू, नहीं अब तो वैल्यू लिख दी है, अब अवकलन कर देंगे सीधे। डिफ्रेंसिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएट करिए, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, इसको क्या हो जाएगा जीरो माइनस टू टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर। इस तरह से डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आएगी माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर, ये डी डी एक्स ऑफ वाई का मान निकल करके आ जाएगा। ठीक है, आप नोट कर लीजिए जल्दी से इसे। क्वेश्चन नंबर 14 में है वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर, वेयर एक्स इज इन बिटवीन माइनस वन अपॉन अंडर रूट टू टू प्लस वन अपॉन अंडर रूट टू, एक्स का मान इसके और इसके बीच में ही आना चाहिए आएगा। अब इस पे प्रतिस्थापन हमको करना है एक्स की जगह पे, बताइए क्या सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये फंक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। अभी तक के जितने सवाल थे सब में हमने टेन थीटा लिखा हुआ है, तो क्या यहाँ टेन थीटा से काम बन जाएगा, टू टेन थीटा इंटू अंडर रूट वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बनेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है अगर साइन थीटा लिखेंगे तो इस बार काम बन सकता है। कैसे आप ध्यान से देखिए, माना x बराबर साइन थीटा, अगर x बराबर साइन थीटा है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x, बुआ समझ आ रहा है ना ये आपको। अब ये वैल्यू यहां लिखिए, देयर फोर वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स की जगह पर क्या लिखा जाएगा साइन थीटा अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। आप देखिए साइन इनवर्स टू साइन थीटा अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, क्या आप इसको पहचानते हैं, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो हम इसकी जगह पर लिख देंगे कॉस थीटा। अब ये हुआ साइन इनवर्स टू साइन थीटा, कॉस थीटा का क्या होगा साइन टू थीटा। अब साइन इनवर्स साइन टू थीटा में क्या बचेगा, टू थीटा बच जाएगा, सिंपल तो हमने कर लिया, अब अवकलन करना बाकी है। तो वाई इज इक्वल टू टू और थीटा की जगह पर क्या लिख दिया जाएगा, थीटा की जगह पर लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स। अब अवकलन करेंगे, डिफ्रेंसिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू टू, और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालना है मुझे,
टू डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू टू, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा बताओ, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर, बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। देन डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू टू अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर, ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 14। आप नोट कर लें, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में sec इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 लिखा है, क्या आप बता सकते हैं कि इसमें x की जगह क्या लिखने से हमारा आंसर बन सकता है, cos थीटा लिख देते हैं, माना x इज इक्वल टू cos थीटा, x को हम cos थीटा लिखेंगे, अगर x को cos थीटा लिखेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा बताइए, थीटा हो जाएगा cos इनवर्स x, समझ आ रही बात आपको, अच्छा अगर थीटा cos इनवर्स x हो गया तो रखिए वैल्यू जरा, देयरफॉर y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन 2, x की जगह पर हम लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या आप बता सकते हैं कि आप 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को पहचानते हैं, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है ये, तो हमने y इज इक्वल टू लिखा sec इनवर्स 1 अपॉन cos 2 थीटा, sec इनवर्स, अब बेटा देखो 1 अपॉन cos 2 थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन cos 2 थीटा को लिखा जा सकता है sec 2 थीटा, 1 अपॉन cos थीटा sec थीटा होता है ना, अब sec इनवर्स sec 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 थीटा, ना समझ आ रहा है आपको, आ रहा है समझ में, अच्छा अब ठीक है y इज इक्वल टू 2 थीटा आ गया, 2 थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं cos इनवर्स, उसके बाद दोनों पक्षों का अवकलन कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर देते हैं, इधर होगा डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू 2, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालना है, डी डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x, तो डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू 2 और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, इस तरह से डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये 15 नंबर सवाल का आंसर आ जाएगा, और इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है आपकी, एक्सरसाइज 5.3, ठीक है। अब एक्सरसाइज 5.4 का हमें इंट्रोडक्शन करना है, उसको करेंगे लेकिन अब नेक्स्ट क्लास पे करेंगे हम लोग, ठीक है, तो आज इतना ही रख लेते हैं मैथमेटिक्स में, चलते हैं मिलते हैं अगली क्लास पे, थैंक यू।